बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अंडर 40,000। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 है, 40,000 के बजट में आप एक कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो भाई ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। वीडियो को पूरा देखना, स्किप आउट मत करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन डोमिनोस, वेलकम टू दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पर। अगर चाहे नया चैनल को तो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे करो फॉलो। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो यार अभी अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो नंबर वाइज स्टार्ट करते हैं, सीधी बात करते हैं नंबर फोर की बात करूं। नंबर फोर पर यार मैंने रखा वन प्लस एट को। तो यार ये स्मार्टफोन आपको बहुत क्रिएटर्स के पास देखने को मिल जाता है, बिकॉज इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा सही है, उसके साथ साथ आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है। अगर आपने लाइक वीडियो रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में ही करनी है, प्लस अगर आपने एडिटिंग भी अपने फ़ोन में ही करनी है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है वन प्लस एट या वन प्लस एट प्रो। ठीक है, अगर बात करूँ मैं वन प्लस एट की, ये आपको 40,000 के बजट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वन प्लस एट प्रो की ओर जाना है, वो जो फ़ोन है ना वो आपको 50,000 के बजट में मिलता है। दोनों बहुत ज़्यादा सही देखने को मिल जाते हैं, मतलब जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। कलर या डिज़ाइन अगर आपको पसंद आने वाला है, अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको डीपली पता चल जाएगा। तो यार डिस्प्ले की बात हूँ, 6.78 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाते हैं, जो कि 120 रिफ्रेश के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि फ्लूइड डिस्प्ले है। तो मैंने आपको पहले भी रिपीट कर दिया था कि इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है, आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाता है। तो यार 865 मतलब 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। अगर आपने 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, उसके साथ साथ भाई अगर आपने एडिटिंग भी अपने फ़ोन में ही करनी है ना, तो उसके लिए देखा जाए तो आपको बहुत तगड़ा प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट आ जाता है। ठीक है, स्टोरेज की बात करूं, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, आपको 4510mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस 30W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करूं, आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 48MP प्लस 5MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 16MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, आपको जो वन प्लस एट है वो आपको 40,000 के बजट में मिल जाएगा, जो यार वन प्लस एट प्रो है वो आपको 50,000 के बजट में देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन वगैरह दोनों का सेम है, जो भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, वन प्लस एट के भी एंड वन प्लस एट प्रो के भी, दोनों बहुत ज़्यादा तगड़े मिल जाते हैं। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ, तो यार नंबर थ्री पर मैंने रखा आईफोन XR को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, इसका डिज़ाइन एंड इसके कलर तो प्यारे देखने को मिल जाते हैं। तो भाई अगर आप एप्पल लवर हो ना तो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, बट इसके माइनस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसके माइनस पॉइंट की बात करूँ, आपको दो माइनस पॉइंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है इसका माइनस पॉइंट इसकी बैटरी, एंड उसके बाद इसका दूसरा माइनस पॉइंट देखने को मिलता है, जो 40,000 में आप आईफोन लोगे ना वो आपको यार 64GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। तो भाई अगर आपने डाटा वगैरह ज़्यादा रखना है ना, तो आपके लिए माइनस पॉइंट आ जाता है, एंड इसकी बैटरी सच में कम है। भाई अगर आपने सिनेमेटिक शूट करना है, या अगर आपने रील्स बनानी है, टिकटॉक बनाते हैं, या यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बनाना चाहते हो ना, तो इसकी बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और कोई माइनस पॉइंट नहीं देखने को मिलता। आपको तगड़ा जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, आपको 8 वाले बानिक चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। आपको डिस्प्ले भी बहुत सही मिल जाता है। अगर आपने आउटडोर यूज़ करना है या इंडोर यूज़ करना है, आपका एक्सपीरियंस बहुत सही होने वाला है। ठीक है, माइनस पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसकी बैटरी एंड इसका स्टोरेज आपको माइनस पॉइंट देखने को मिलता है, तो आप एक बार देख लेना, अगर आपको सही लगता है आप जा सकते हो। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की। तो यार डिस्प्ले की बातों को 6.1 इंच IPS LCD देखने को मिल जाती है, जो कि IP67 रेटिंग के साथ आती है। अगर पानी वगैरह गिर भी जाता है, ये फ़ोन ख़राब नहीं होने वाला। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको 8 वाले बानिक चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत तगड़ा है। भाई अगर आपने गेमिंग वगैरह भी करनी है, या अगर आपने कोई हैवी एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करनी है, उस पर आप कर सकोगे, ईजिली यूज़ कर सकोगे। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 3GB रैम मिल जाती है, एंड 3 वेड में देखने को मिलता है, लेकिन जो 40,000 के बजट में वेड देखने को मिलेगा वो आएगा 64GB स्टोरेज के साथ। ठीक है, बैटरी की बात करूं, आपको 2942mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 15W का आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। कैमरे की बात करूं, आपको 12MP कैमरा मिल जाता है, जिस पे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं, आपको 7MP सेल्फी मिल जाती है, बट आपको सेल्फी में 4K ऑप्शन नहीं मिलता। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको आईफोन XR के भी बता दिया। अगर आपने इस स्मार्टफोन की ओर जाना है, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। इसके कलर डिज़ाइन लुक वगैरह बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन इसके दो माइनस पॉइंट भी देखने को मिलते हैं, उसको आप ध्यान में रखना। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू की।
नंबर टू की बात करूं, नंबर टू पर यार मैंने रखा है MI 10T Pro को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसके दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक आता है MI 10T, दूसरा आता है MI 10T Pro। ठीक है, अगर मैं बात करूं MI 10T की तो उसका प्राइस आपको 33,000 देखने को मिलता है, अगर मैं बात करूं MI 10T Pro की तो इसका प्राइस आपको अंडर 40,000 नॉर्मली इजिली देखने को मिल जाता है। अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं मतलब कैमरे की, तो आपको 8K वीडियो ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि बहुत तगड़ा है भाई। अगर आपने सिनेमैटिक शूट करना है, व्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब वीडियोस करनी है, रील्स बनाते हो, टिकटॉक बनाते हो, या अगर आप अच्छी फोटोज़ वगैरह लेना चाहते हो तो MI 10T Pro आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। प्लस इसके कैमरे में आपको बहुत ऐसे एप्लीकेशन मिल जाएंगे जो कि आपकी सेल्फी होगी, आपकी फ़ोटोज़ होगी, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसको बहुत अपर लेके जा सकती है। अभी तक अगर आपने नहीं चेकआउट किया था तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ आप चेकआउट कर लेना, लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अभी बात करते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, आपको मैं डीपली बता देता हूँ। तो यार डिस्प्ले की बात हूँ, 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। तो यार 144 रिफ्रेश रेट सच में मैटर करता है। अगर आप इंडोर यूज़ करोगे या आउटडोर यूज़ करोगे ना, तब आपको पता चलता है। जब आप आउटडोर यूज़ करते हो ना, धूप वगैरह में अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ करते हो, तब आपको पता चलेगा कि आपको डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिल जाता है जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है, बहुत तगड़ा है। अगर आपने मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपने फ़ोन पे करनी है, वीडियो एडिटिंग भी अगर आपने फ़ोन पे करनी है तो नॉर्मली कर सकते हो, 4K सपोर्ट करता है भाई। अगर आपने 4K में वीडियो एडिटिंग करनी है नॉर्मली इजिली कर सकोगे, कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आने वाला। उसके साथ साथ भी अगर आपने गेमिंग भी करनी है ना, तो भी आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 8GB रैम मिल जाती है प्लस 128GB स्टोरेज। बैटरी की बात, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस आपको 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। कैमरे की बात करूँ, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 108MP प्लस 30MP प्लस 5MP। आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सेल्फी की बात करूँ, आपको 20MP सेल्फी मिल जाती है, बट आपको जो सेल्फी में ना 4K ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, बट इसका जो सेल्फी है वो सच में बहुत तगड़ा है। अभी प्राइस की बात करूँ, आपको 40,000 के बजट में MI 10T Pro देखने को मिल जाएगा। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया MI 10T Pro के। अगर आपने स्मार्टफोन की ओर जाना है आप जा सकते हो, अगर आपने सिर्फ चेकआउट करना है आप चेकआउट भी कर सकते हो, चेकआउट करने के पैसे नहीं लगते। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ यार, नंबर वन पर मैंने रखा है Samsung Galaxy S20 FE। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, इसका डिज़ाइन, इसके कलर प्लस इसका जो कैमरा है ना, अपने मेन टॉपिक की बात करें, इसका कैमरा बहुत तगड़ा देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आपने 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, व्लॉगिंग करनी है, व्लॉगिंग के लिए मैं आपको परफेक्टली कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत सही होने वाला है, बिकॉज बैक कैमरे में आपको 8K ऑप्शन मिल जाता है, फ्रंट कैमरे में आपको 4K ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि बहुत तगड़ा है। मैं आपको मेन स्पेसिफिकेशन की बात बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको स्नैपड्रैगन 865 मिल जाता है। स्टोरेज की बात, 8GB रैम मिल जाती है प्लस 120GB स्टोरेज प्लस आप एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो। बैटरी की बात करूं, आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है प्लस 25W का फास्ट चार्जर प्लस वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। उसके बाद आपको रिवर्स चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूं, आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, 12MP प्लस 8MP प्लस 12MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 32MP सेल्फी मिल जाती है जिसपे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बैक कैमरे में आपको 8K ऑप्शन मिल जाता है। तो भाई अगर आपका बजट 40,000 है ना, 40,000 के बजट में मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा आप चल जाना Samsung Galaxy S20 FE की। और भाई अगर आपने गेमिंग करनी है, अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए, अगर आपको सेल्फी अच्छी चाहिए, अगर आपने व्लॉगिंग करनी है, अगर आपने सिनेमैटिक शूट करना है, आप सभी के लिए ना परफेक्ट डील हो सकता है। Samsung Galaxy S20 FE बहुत तगड़ा है, लॉन्ग टाइम इसको आप रख सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो। यार लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना, नई नई वीडियो आती रहती हैं तो उसको देख लिया करो यार, बहुत मेहनत से वीडियो करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।